आज इस मौके के ऊपर, रमज़ान के मौके पे हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं टेबल टेनिस का, जिसमें काफ़ी सारी टीम्स आ रही हैं। और इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी लड़कियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और ये हमारा पहला टूर्नामेंट है रमज़ान के अंदर, और माशाल्लाह सब लड़कियों ने और कोचेज ने और भरपूर साथ दिया है हमारा। मेरा नाम आबिद कुरैशी है, मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, और आज मैं इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूस तौर पर इन्होंने मुझे मौजूद किया है। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर जनाब शहजाद काजी स्पोर्ट्स लाइफ वाले, सलीम कुरैशी साहब डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, अदीज़ साहिबा लोग यहाँ के ऑर्गेनाइजर, इन्होंने आज इस प्रोग्राम में मुझे मौजूद करके मुझे इज्जत अफजाई का शुक्रिया का मौका दिया है। मैं इस प्रोग्राम में इतना खुश हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, और मैं खुद स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ, और 92 में मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ एथलेटिक में, और मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मेंबर था, और पल्सर स्पोर्ट्स बोर्ड का मेंबर भी रहा मैं 4 साल। ये जो सरगर्मियाँ होती हैं, ये बच्चों की ग्रूमिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। एक तो रमजान मुबारक का महीना, दूसरा स्पोर्ट्स खुद एक इबादत है, और ये मिलते जुलते जो इबादत के जो मामलात हैं, अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम में जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमें हमारी जहनों की वस्तुओं को खोलता है, और ख़ास तौर पर इनके माँ बाप की तरफ ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने अपने बच्चों को और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को इस लाइन और लेंथ में डाला, और स्पोर्ट्स के मैदान में आकर अपने जौहर दिखाएं और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। रहेंगी तो इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसमें आपकी मदद करेंगे, हुकूमत सिंध के ब्यूरोक्रेट्स भी काफ़ी हैं, पॉलिटिशियंस हजरात भी हैं, वो आपकी बहुत मदद करेंगे, और मैं आपके साथ हर जगह आपके साथ कदम ब कदम खड़ा हूँ। के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत है, एटलीस्ट जो गर्ल्स यहाँ पे आएंगी उनके लिए बहुत अप्रिसिएशन है। मोस्टली अगर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में गर्ल्स इतना एक्टिवेट नहीं होती हैं, बट स्पेशली इन रमज़ान, और वो भी गर्ल्स के लिए, तो एक तरह से उनके लिए सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत है। सेकेंड वन, जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर बैठे हुए, जो भी यहाँ पे गाइडर बैठे हुए, लीडर बैठे हुए, उनकी तरफ से भी सपोर्ट रहा है, तो फिर आपके हमारी तरफ से भी, यानी जो गर्ल्स और पार्टिसिपेट हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट रहा है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो इट वाज अ ग्रेट डे, और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी रही है। ठीक है, और इस तरह की मुझे ही पर्सनली लगता है कि इस तरह के इवेंट्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए, जिससे लड़कियों को जो है वो पढ़ाई के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और हमने देखा है कि आजकल लड़कियों का भी जो है बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें कि हमें डिफरेंट इवेंट्स वगैरह लड़कियों के करवाने चाहिए, जिससे लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिले, और पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स में भी लड़कियाँ आगे जाएँ। मैं मिसेस बुशरा इमरान फ्रॉम HI उस्मानिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। आज के इवेंट के लिए मैं कुछ अल्फाज कहना चाह रही हूँ कि आज का इवेंट योम पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा इवेंट था, और रमज़ानुल मुबारक में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, इनके ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बच्चियों ने बहुत दिलचस्पी से मैचेस खेले, और तकरीबन इख्तिताम की तरफ ये मैचेस जा रहे हैं, और तमाम बच्चियों ने इसके अंदर जो शिरकत की है, तमाम कॉलेजेस ने बहुत अच्छे तरीके से गेम को परफॉर्म किया है। मेरा नाम हदीसा सादिक है, और आज चैम्पियनशिप है टेबल टेनिस की 2024 की। यहाँ आकर हमें अच्छा लग रहा है, और ऐसा प्लेयर हमने खेला, इंजॉय किया, और रमज़ान का है टूर्नामेंट, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बताएं कि रमज़ान में रोज़ा रख के खेलने में मज़ा आ रहा है, इसके अलावा भी? नहीं, मज़ा भी आ रहा है और रोज़ा लग भी रहा है, मतलब दोनों। वालेकुम, मेरा नाम गुलेनूर खान है, और मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ आज टेबल टेनिस की प्लेयर बनकर आई हूँ। और रमज़ान है और इतना हम इंजॉय कर रहे हैं, मगर रोज़ा भी हमें नहीं लग रहा, और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है।